हे गाइस, कैसे हो? आई होप मस्त होंगे। तो गाइस, यूट्यूब का एक सब टाइटल होता है, आप सभी को पता है। ये सब टाइटल क्या है, किस लिए यूज किया जाता है, या सब टाइटल यूज करने से आप लोगों का चैनल में या आप लोगों का वीडियो में क्या व्यूअर्स इंक्रीज होगा या नहीं होगा? तो गाइस बता दूं, सब टाइटल यूज करने से आपका वीडियो में व्यूअर्स इंक्रीज हो जाएगा। कैसे इंक्रीज होगा या क्यों इंक्रीज होगा, सब टाइटल को कैसे यूज किया जाता है या यूज करने से क्या फायदा होगा, ये सारा कुछ आप लोगों को इसी वीडियो में जानकारी मिलेगा। अगर आप एक नए क्रिएटर हो तो आपको जानना चाहिए, या सब टाइटल आप भी अगर यूज नहीं करते हो, अपना हर वीडियो में सब टाइटल को यूज कर सकते हो, इसमें क्या क्या फायदा होगा, सारा कुछ मैं आप लोगों को इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, उसे के साथ में नॉलेजेबल भी है। वीडियो को पूरा देखना, चैनल में नए है तो सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, क्योंकि यूट्यूब से रिलेटेड हमेशा वीडियो मेरा इस चैनल में आप लोगों को मिलते रहेगा। आप लोग मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हो, लिंक आपको पता ही होगा, नीचे में डिस्क्रिप्शन बॉक्स जो है उसमें मिल जाएगा, आप लोग जाके उसको फॉलो भी कर सकते हो। क्योंकि इंस्टाग्राम में भी मैं कुछ ना कुछ फोटो या कुछ अपडेट हो उसमें शेयर करते रहता हूँ। तो गाइस चलिए विदाउट टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ज्यादा टाइम लेने वाला नहीं हूँ। आप लोग अभी तक अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करो, शेयर करो। फर्स्ट में बात कर रहा हूँ यूट्यूब का जो सब टाइटल होता है, इसको यूज करने से क्या क्या होता है। तो देखो, ये जो सब टाइटल होता है, इसमें हम लोग का जो कंटेंट होता है, मान लो आप लोगों का जो कंटेंट है, आपका जो वीडियो का लैंग्वेज है, मानो आपका हिंदी लैंग्वेज है, बंगाली है, तमिल है, तेलुगु है, तो उसमें हम लोग सब टाइटल को यूज कर सकते हो। मानो हम जो लैंग्वेज में बोल रहा हूँ, हिंदी में बोल रहा हूँ, तो इसमें अगर सब टाइटल यूज करूँ, मैं इंग्लिश में डाल सकता हूँ, मैं जो बोल रहा हूँ इंग्लिश में नीचे में आ जाएगा। जैसे कि आप लोग नोटिस किए होंगे, बहुत ऐसे वीडियो में सब टाइटल मिलता है, मूवीज में, इंटरटेनमेंट कोई देखते हो, कोई करते हो, तो आपको पता ही होगा मूवीज में ज्यादातर सब टाइटल को यूज किया जाता है। तो उस मूवी में जब सब टाइटल नीचे में चलता है, उस मूवीज अगर तमिल में है, तेलुगु में है, तो नीचे में हिंदी में दिया रहता है सब टाइटल, कोई कोई मूवीज में इंग्लिश में भी दिया रहता है। तो ये क्यों दिया रहता है, इसमें देने से आपका वीडियो में क्या व्यूज इंक्रीज होगा? तो गाइस बता दूं, 100% इसमें आपका व्यूअर्स इंक्रीज होगा। वो कैसे गाइस, देखो आपका लैंग्वेज हिंदी है, आप हिंदी का कंटेंट अपलोड करते हो, बस इतना ही है। तो उसमें हम लोग का वीडियो जो है, कंटेंट जो है, सिर्फ इंडिया में चल रहा है, क्योंकि हम लोग का लैंग्वेज हिंदी है। अगर हम लोग का लैंग्वेज हिंदी है, तो इस वजह से हिंदी लैंग्वेज जो है इंडिया में ही चलता है, तो इंडिया में हम लोगों का वीडियो का इंप्रेशन ज़्यादातर घूमेगा, इंडिया में बाहर नहीं जाएगा, इंप्रेशन हम लोगों का नहीं जाएगा बाहर, क्योंकि हम लोग का लैंग्वेज इंग्लिश नहीं है, हिंदी है। तो इस वजह से अगर आप लोग सब टाइटल यूज करेगी, हो सकता है आपका वीडियो का इंप्रेशन इंडिया का बाहर भी जा सकता है, क्योंकि आपका नीचे में सब टाइटल लगा हुआ है, तो इंप्रेशन अगर बाहर के जाएगा, इंडिया का बाहर जाएगा, तो वहाँ पे ऑडियंस या व्यूअर्स आपको वीडियो को भी देख सकता है, क्योंकि वो समझ सकता है आपका वीडियो को देख के। नीचे में आपका सब टाइटल शो करेगा, आप इंग्लिश में लगा के सब टाइटल को लगा सकते हो, उसमें आप लोगों का क्या होगा, बाहर से भी आपका व्यूअर्स आने का चांस बढ़ जाएगा। ऐसे में आपका वीडियो में जितना व्यूअर्स आता है, उससे और भी थोड़ा होने से भी इंक्रीज होने का चांस जो है रहता है। बहुत ऐसे क्रिएटर भी सबटाइटल को यूज करता है, आप लोग भी कर सकते हो सबटाइटल को। तो अगर आप लोग को नहीं पता है सबटाइटल को कैसे यूज किया जाता है, तो मैं थोड़ा सा करके आप लोग को बता देता हूँ। जैसे कि हम लोग वीडियो को अपलोड कर देता हूँ, अपलोड करने के बाद हम लोग उसमें टाइटल डालना होता है, डिस्क्रिप्शन डालना होता है, टैग्स डालना होता है, थंबनेल भी डालना होता है। तो ऐसे में अगर आप लोग YT स्टूडियो एप्लीकेशन के थ्रू सारा कुछ फिल करते हो, तो उसमें आप लोग सबटाइटल डाल नहीं सकते हो। उसके लिए आप लोगों को कोई भी ब्राउजर में, आप जो भी ब्राउजर में कंफर्टेबल हो उस ब्राउजर में यूज करना, उस ब्राउजर में यूट्यूब चैनल को डेस्कटॉप मोड में लॉग इन करना, उसके बाद आपको YT स्टूडियो में चला जाना है डायरेक्ट। वहां पे जाके जिस वीडियो में आप सबटाइटल लगाना चाहते हो, उस वीडियो में आपको सिंपल प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद बहुत सारा आइकन आ जाएगा, उसमें एक पेंसिल का आइकन रहेगा, उसमें प्रेस करके भी आप वीडियो एडिटिंग जो सेक्शन होता है वहां पे भी जा सकते हो, या 3 डॉट आपको मिल जाएगा, वहां पे प्रेस करके भी आप डायरेक्ट सबटाइटल को लगा सकते हो। तो पेंसिल आइकन में जैसे ही आप प्रेस करोगे, प्रेस करने के बाद हम लोग का वीडियो का एडिटिंग ऑप्शन आ जाता है, जैसे कि उसमें हम लोग टाइटल लगा सकते हो, थंबनेल, डिस्क्रिप्शन, टेक्स्ट, या बोलो एंड स्क्रीन, या बोलो आई कार्ड जो होता है, ये सारा कुछ हम लोग लगा सकते हो। तो उसमें जो साइड में आप लोगों को सारा कुछ सेटिंग शो करता है, उसमें आप वीडियो को एडिटिंग भी कर सकते हो, आपका यूट्यूब मतलब YT स्टूडियो के थ्रू अपना वीडियो में एडिटिंग भी कर सकते हो, चाहे कुछ मिस्टेक हुआ है तो उसको रिमूव भी कर सकते हो। इसके लिए भी ऑलरेडी वीडियो बना हुआ है, कैसे आप
वीडियो अपलोड करने का बाद उसको आप एडिट करना चाहो कैसे एडिट कर सकते हो, उसके बाद पूरा नीचे में आपको सबटाइटल ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे ही आप सबटाइटल ऑप्शन में प्रेस करोगे, प्रेस करने के बाद खुद इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा, इसमें आपका जो वीडियो का लैंग्वेज है वो लैंग्वेज शो करेगा। उसके बाद आपको एक साइड में और एक अदर्स लैंग्वेज, उसमें आपको ऐड ऑप्शन मिलेगा, उसमें प्रेस करके आपको जस्ट लैंग्वेज सिलेक्ट करना है कौन सा लैंग्वेज में आप सबटाइटल को लगाना चाहते हो। उसके बाद आप सबटाइटल को बड़े आराम से लगा सकते हो, जैसे ही आप जो कुछ भी कंटेंट बोलोगी उसी हिसाब से आपका सबटाइटल नीचे में शो करेगा। लेकिन हाँ, इसमें एक ट्विस्ट है, वो क्या है, आपका सबटाइटल आपको खुद से डालना होता है। तो ऐसे में अगर आप लोग को सबटाइटल डालना चाहिए या आप लोग सबटाइटल को डालना चाहते हो, यूज करना चाहते हो अपना हर वीडियो में, अपना वीडियो का व्यूज इंक्रीज करने के लिए, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कैसे सबटाइटल को आप फिल कर सकते हो, ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा सबटाइटल, उसके लिए आप लोग कॉमेंट जरूर करना। अगर आप लोग को वीडियो चाहिए, मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बता दूंगा कैसे ऑटोमेटिक सबटाइटल आप डाल सकते हो, मतलब आपको कुछ टाइप करने का जरूरत नहीं है, आप जस्ट कॉन्टेंट अपलोड करो, उसके बाद सबटाइटल को एनेबल करो, आपका सबटाइटल ऑटोमेटिकली इंग्लिश में रिडायरेक्ट होके सबटाइटल रेडी हो जाएगा, आपको कुछ टाइप करके लिखने का जरूरत नहीं है। तो गाइस ऐसा अगर चाहिए वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। इस सबटाइटल को यूज करके आप अपना वीडियो का व्यूज इंक्रीज कर सकते हो, इंप्रेशन इंडिया का बाहर भी भेज सकते हो, क्योंकि हो सकता है आपका वीडियो में अगर सबटाइटल लगा हुआ रहेगा तो आपका वीडियो का इंप्रेशन इंडिया का बाहर भी जा सकता है, उसमें व्यूअर्स आने का चांस भी बढ़ जाएगा अगर आपका वीडियो का इंप्रेशन इंडिया का बाहर जाएगा। तो गाइस आशा करूंगा इस वीडियो से सबटाइटल के बारे में सारा कुछ डाउट अगर आप लोगों का माइंड में था क्लियर हो गया। अगर आप एक नए क्रिएटर हो तो आप लोग सबटाइटल को भी यूज कर सकते हो। तो गाइस वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि यूट्यूब से रिलेटेड हमेशा वीडियो मेरा इस चैनल में आप लोगों को हमेशा मिलते रहेगा। आप लोग मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स होगा उसमें मिल जाएगा, इंस्टाग्राम फेसबुक सारा कुछ लिंक मिल जाएगा, जिसमें चाहो फॉलो कर सकते हो, लाइक भी कर सकते हो। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, मुझे पता है आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, वीडियो को लाइक नहीं करते हो, भाई जाओ वीडियो को लाइक करो, अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक करो, लेकिन सब्सक्राइब करो, मुझे नहीं पता, सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करना है ना। तो गाइस चलिए फिलहाल अभी के लिए इतना ही, तब तक ले टेक केयर।